एमपी में एक बड़ा बीज घोटाला सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है। आदिवासी जिले ढिंडोरी में कृषि विभाग ने ग्राम सेवकों के माध्यम से तरफा योजना के अंतर्गत धरती पुत्र किसानों को कागजों में चना बीज बांट दिया। इसका खुलासा आरटीआई एक्टिविस्ट रूपवान पाराशन ने किया है। मध्य प्रदेश में घोटाले होना कोई नई बात नहीं है। आरटीआई एक्टिविस्ट रूपवान पाराशन ने कृषि विभाग से पहले आरटीआई के माध्यम से दस्तावेज लेकर गांव-गांव जाकर किसानों से मिलकर बीज घोटाले का खुलासा किया है। वर्ष 2021-22 में चना बीज वितरण घोटाला उजागर होने के बाद कृषि विभाग में अफरा तफरी का माहौल है, तो वहीं जांच की आज विभाग तक आना तय है। समनापुर जनपद के ग्राम मोहदा में आरटीआई कार्यकर्ता रूपभान पराशर ने दस्तावेजों के साथ ग्रामीण किसानों से चर्चा की तो पता चला कि गांव में लगभग 17 किसानों के नाम कृषि विभाग के दस्तावेजों में चना बीज प्राप्त की श्रेणी में अंकित किए गए हैं, जबकि जमीनी स्तर पर बीज बटे ही नहीं, किसानों ने बाजार से खरीद कर बीज खेतों में डाले थे। ऐसे में मोहदा ग्राम के किसानों ने जिला प्रशासन से बीज घोटाला करने वाले के खिलाफ जांच कर कठोर कार्रवाई की मांग की है। आज तक कभी नहीं मिला है, गए हैं पर नहीं मिला है। अब इनसे इन बता में साहब, सब किसान तो खड़े हैं, 150 से ऊपर हैं किसान, लेकिन कभी किसी भी योजना का लाभ नहीं। नीचे टोला में जो बाता जो बत्तड़ है उनको मैन मैन के मिल रहे हैं, नहीं मिला है साहब, नहीं मिला है। दुकान से लाए हैं साहब, हाँ दुकान से खरीदे हैं। बीज ठीक है बोले मिल जाएगा, लेकिन वहाँ जाने के बाद में बीज हमको नहीं मिला, एक नहीं दो दो बार तक गए। फिर इसके बाद वहाँ समनापुर से जाने के बाद में डिंडोरी भी गए, वहाँ भी गए, वहाँ से भी नहीं मिला। मेरा विचार था कि मैं 181 लगाने वाला था, लेकिन 181 भी नहीं लगा पाया। और अपने अपने आदमी को शाम के आके 7 बजे के बाद नाम लिख के और रात में ले जाते हैं, सवेरे जाके अपना अपना आदमी जाके लेके आ जाते हैं। इसी तरह से वर्ष 2021 में ग्राम केकरझर निवासी किसान राम कुमार को 30 किलो चना बीज 1140 रुपए में मिला है, जबकि उन्होंने बताया कि उनके नाम के आगे 75 किलो बीज विभाग ने चढ़ाया हुआ है। सवाल यही है कि आखिर किसानों के नाम का चना बीज गया कहां? तरफा योजना के तहत हमें 75 किलो लिखवाए हैं, मिला है 30 किलो चना, 1140 मिली, ये 2021-22 75 मिलना था, अभी बाद में बताए हैं लोग बाग, इसलिए हम जानकारी। इस पूरे मामले में आरटीआई कार्यकर्ता रूपभान पराशर ने कहा कि लाखों रुपए खर्च उनके द्वारा बीज घोटाले ढिंडोरी के 7 विकास खंडों से उजागर किया गया है, जिसकी उच्च स्तरीय जांच किया जाना चाहिए। सूचना का अधिकार लगाया रहा कृषि विभाग में, वहाँ से जो जानकारी प्राप्त हुई उसी तरफा योजना के अंतर्गत चना बीज और मसूर का वितरण बतलाया गया है, तो मैंने गाँव-गाँव में जाकर संपर्क किया तो वहां से पता चला कि कुछ किसानों को तो बीज दिया ही नहीं गया है, ना उनको जानकारी है, और कुछ किसानों को 75 किलो बीज देना बतलाया गया है, जो कि पूर्णतः गलत है। उन किसानों को मात्र 30 किलो बीज दिया गया है, जिसकी राशि भी कई गुना बढ़कर लिया गया है, 1200 रुपये 30 किलो चने का। इसमें करोड़ों रुपये का घोटाला है। इसमें पुराने उपसंचार प्रभारी उपसंचालक रहे अश्वनी झारिया जी, उनके कार्यकाल का ये बीज वितरण है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।